पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एकात्म मानववाद के प्रणेता भारतीय जनसंघ के संस्थापक के स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश की अखंडता एकता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में लाएं तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया। पंडित दीनदयाल की ऐसी विचारधारा थी कि कभी सत्ता भी सामने आ जाए तो सत्ता को मत चुनना, देश के हित को चुनना। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जैसा सोचा था वह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कर रही है। इस अवसर पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत राय बड़े, महानगर महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय, देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष रणविजय शाही, मंत्री अजय श्रीवास्तव, युवा मोर्चा क्षेत्रीय मंत्री पवन यादव, कमलेश आजाद, अजय सिंह संजू, ओम प्रकाश शर्मा, रविंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष सिद्धांतो घोष, आनंद अग्रहरी, रूपेश गुप्ता, अष्टभुजा श्रीवास्तव, अजय मणि त्रिपाठी, आनंद अग्रहरी, सत सुकृत, अमितेश्वर पांडे, छोटे लाल पासवान, चंद्रपाल सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। पूरा देश उनको नमन कर रहा है। आज गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग भी यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर आकर के उनको पुष्प चढ़ा करके श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे महापुरुष थे जो अपनी पढ़ाई के समय में हाई स्कूल से लेकर के स्नातकोत्तर तक सभी में ऑलराउंड फोर्थ फर्स्ट क्लास थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया था। वो भारतीय जनसंघ के स्थापना काल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ महामंत्री रहे और 1968 में वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। उनके नेतृत्व में उनका जो सपना था, उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। एकात्म मानववाद दर्शन उन्होंने दुनिया को दिया। एकात्म मानववाद का मतलब एक ही आत्मा सब में है, फिर कैसा भेदभाव। और उन्होंने जो अंत्योदय समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को ऊंचाई ले जाने उठाने का जो सपना देखा था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में पूरा कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गरीबों के लिए सपना देखा था, चाहे गरीबों को आवास देने का मामला हो, चाहे उनको उनके जनधन अकाउंट के माध्यम से खाते खोलने का मामला हो, या आयुष्मान भारत के माध्यम से उनको दवा देने से लेकर शौचालय से लेकर के अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कर रही है। आज हम सब विनम्र भाव से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे।